राइट, लास्ट लास्ट टॉपिक का, लास्ट क्लास में हमने इनहेरिटेंस टाइप्स देखी थी, और उसमें हमारे पास एक टाइप होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमारे पास ये लिमिटेशन आ जाती है कि आप जो चाइल्ड क्लास में रहते हैं, चाइल्ड क्लास में रहते हुए अगर आप क्लास को या किसी फंक्शन, चाइल्ड क्लास में रहते हुए आप पेरेंट क्लास के किसी ऐसे फंक्शन को कॉल करें जो मोर देन वन पेरेंट क्लासेस में सेम नाम से बना हो, तो ऐसी सूरत में चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को नहीं पता चल रहा होता कि कौन सी बेस क्लास से उस फंक्शन को कॉल करना है, कौन सी बेस क्लास के फंक्शन को चलाना है। तो ऐसी सूरत में वो कोई भी प्रोग्राम नहीं चलाता और एरर दे देता है। तो इसको सही करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि जब आप मेन क्लास में उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं चाइल्ड क्लास का, तो उसी ऑब्जेक्ट के साथ क्लास को भी स्पेसिफाई करते हैं, ताकि वो ऑब्जेक्ट जब क्लास फंक्शन कॉल करे तो उसे पता हो कि ए क्लास का फंक्शन है या बी क्लास का फंक्शन है, किसको चलाना है। एक तरीका हमारे पास ये होता है जिसको हम इस तरीके से देते हैं, ओबीजे डॉट ए, अगर ए क्लास का चलाना है। ओबीजे कुछ भी हो सकता है, ओबीजे बस ये है कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होता है और उसके बाद पेरेंट क्लास बतानी होती है हमें, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के पास जो फंक्शन हमें काम करना है। ये सब ओबीजे, ए, शो, ये सब आइडेंटिफायर्स हैं, ठीक है। ये कोई इसमें सेंटेक्स वो नहीं है, प्रॉपर कीवर्ड नहीं है। जो सेंटेंस का ख्याल रखना है वो डॉट और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और आखिर में सेमी कॉलन। डॉट से पहले चाइल्ड ऑब्जेक्ट होता है, डॉट के बाद पेरेंट क्लास होती है। स्कोप रिजोल्यूशन से ऑपरेटर, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से पहले पेरेंट क्लास होती है और उसके बाद मेथड होते हैं फंक्शन जिसको आपको कॉल करवाना है। तो हमें बेसिकली अगर हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उससे हम मेथड को कॉल कर रहे हैं, तब तो कोई एरर नहीं, क्योंकि पेरेंट क्लास के पास उस नाम का एक ही मेथड है और वो उसी को चलाएगा। लेकिन चाइल्ड क्लास में रहते हुए चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन से पेरेंट जो है या कौन से सुपर क्लास का फंक्शन कॉल करना है। तो ऐसी सूरत में फिर कंपाइलर एरर दे देता है कि जब तक वो एरर रिमूव नहीं होगा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। तो उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास एक तो यह है कि मेन में खड़े होकर जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया वह चाइल्ड का, उसको हम उसके साथ उसके क्लास भी बता दें डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए। दूसरा तरीका होता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ के फिर इसके एग्जाम्पल जो दी गई थी वो मैं दोबारा समझा दूंगी। ओवरराइडिंग में हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होता है, ओवरराइडिंग ये कहता है कि द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग मेंबर फंक्शन इन ड्राइव क्लास विद सेम नेम एंड सेम सिग्नेचर एज इन पेरेंट क्लास इज नोन एज फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग ये कहता है कि आप ड्राइव क्लास में रहते हुए, इससे पहले जो मेथड देखा था वो हम मेन में थे, मेन फंक्शन में, ठीक है, अब हम क्लास के अंदर मौजूद हैं। ओवरराइडिंग ये कहते हैं कि चाइल्ड क्लास में रहते हुए ही आप पेरेंट क्लास को जो है, जो भी उसका फंक्शन है, उसको वहीं पे डिक्लेयर या कॉल करवा लें। तो चाइल्ड क्लास में रहते हुए जब हम ये काम करते हैं तो हमारा सेंटेंस कुछ ऐसा हो जाता है कि ज़ाहिर है अब तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट वाला पोर्शन गायब हो गया है, बस मेन क्लास का नाम है या बेस क्लास का या पेरेंट क्लास के सुपर क्लास का नाम है आपके पास, उसके पास कोई स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और वो मेथड है। अगर आप मेन के अंदर रह के काम करेंगे तो वो दूसरा मेथड है, ठीक है। और ओवरराइडिंग मेथड ये कहता है कि उसी नाम की क्लास आप इसमें बनाएंगे, शो नाम के ए में भी मौजूद है, शो नाम की क्लास बी में भी मौजूद है। आपने काम में किया कि चाइल्ड क्लास में भी सेम नाम का फंक्शन बना दिया, इस फंक्शन के अंदर फिर आप पेरेंट क्लास के फंक्शन को डिक्लेयर करें, डिफाइन कर देंगे। तो इसमें बेसिकली काम क्या होता है कि इससे पहले चाइल्ड क्लास में शो का फंक्शन मौजूद नहीं था, यहाँ देखिए आप चाइल्ड क्लास जो थी आपके पास ये वाली क्लास थी, वो द चाइल्ड क्लास, और इसकी सब क्लासेस थी, बेस क्लासेस थी ए और बी। चाइल्ड क्लास में कोई हमने फंक्शन डिक्लेयर नहीं किया हुआ था, तो हमने दूसरा जो दूसरा मेथड था वो वाला किया था कि हमने मेन के अंदर जाके डॉट ऑपरेटर यूज किया था, एरर आया था, फिर हमने इसको में इसको सही किया था कि इसमें फिर यहाँ पे ए डाल के स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा दिया था। बहरहाल ये एम्बिगुअस स्टेटमेंट थी, तो उसको सही करने का तरीका भी हमने देख लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, ओवर एडिंग कहता है, ओवर एडिंग ही कहता है कि आप चाइल्ड क्लास में उसी नाम का फंक्शन दोबारा बनाएंगे,
एक क्लास ए में शो के नाम का फंक्शन था, क्लास बी में शो के नाम का फंक्शन था, इन दोनों में शो के नाम का फंक्शन था, तो हम सी में भी जाके शो के नाम का फंक्शन बनाएंगे और उसमें फिर हम मेन क्लास को कॉल कर लेंगे या पेरेंट क्लास को कॉल कर लेंगे। जैसे हमारे पास ये तरीका है कि हम चाइल्ड क्लास में फिर ये उसके अंदर की कोडिंग को एक्सटेंड किया गया है, शो के नाम का फंक्शन दोबारा बनाएंगे और उसमें जाके हमने उसको कॉल कर लिया। तो ओवरराइटिंग टेक्निक ये कहती है कि आप सेम नाम का फंक्शन बना लें और उसमें जाके अपने जो भी पेरेंट क्लास के क्लास है उसको आप कॉल कर लें। अब मैं अगर जाके मेन में ये वाले तरीके से लिखूंगी ओबीजे डॉट शो, तो बेसिकली ये चाइल्ड क्लास का शो बुलाएगा क्योंकि मैंने इसके साथ बेस क्लास स्पेसिफाई नहीं की। तो चूंकि अगर मैं मेरे पास एक ही नाम का फंक्शन बेस में भी है चाइल्ड में भी है और मैं ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बनाऊंगी तो बाय डिफॉल्ट चाइल्ड का जो शो नाम का फंक्शन है उसको कॉल कर लेगा और उसके अंदर हमने ए और बी दोनों क्लासेस के फंक्शंस को डिक्लेयर किया हुआ था। अभी हम इसको दोबारा एक दफ़ा करके देख लेंगे, अगर आप लोग बोलेंगे तो हम प्रोग्राम के थ्रू करके देख लेंगे। अच्छा, अब आ जाइए जो टास्क मैंने दिया था, उस टास्क में मैंने ये बोला था कि आपको काम ये करना है कि आपको दो क्लासेस बनानी हैं। एक क्लास बनाएंगे बेस क्लास जिसका नाम रखेंगे सिंपल, फिर एक क्लास बनाएंगे ड्राइव क्लास जिसका नाम रखेंगे कॉम्प्लेक्स। बेस क्लास की अपनी कोडिंग है, ड्राइव क्लास की अपनी कोडिंग है। जब आप बेस क्लास बनाएंगे यानी कि सिंपल नाम की जो क्लास बनाएंगे सुपर क्लास पेरेंट क्लास, तो उसमें आपको दो मेंबर्स रखने हैं ए और बी, यानी कि दो वेरिएबल्स रखने हैं ए और बी, जो इनका काम हो कि वो दो नंबर को स्टोर कर सके। इसका मतलब इनको आप इंटीजर ले सकते हैं या फ्लोट ले सकते हैं, डबल ले सकते हैं, यानी ये वाली कैटेगरी में लेंगे। आपने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए और उसी सिंपल क्लास में चार मेंबर फंक्शंस बना दिए, यानी कि दो वेरिएबल होंगे चार फंक्शंस होंगे, उन चार फंक्शन में एक होगा ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चार आपने फंक्शंस बना दिए। ऐड का काम ये होगा कि वो ए और बी को प्लस करेगा और रिजल्ट को सी आउट कर देगा। सब का काम ये होगा कि वो ए और बी को माइनस करेगा और डिस्प्ले कर देगा। मल का काम ये होगा कि वो ए और बी को मल्टीप्लाई करेगा, डिस्प्ले कर देगा, और डिवाइड का काम ये होगा कि वो ए और बी को डिवाइड करेगा और जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको डिस्प्ले कर देगा। सिंपल क्लास जो थी आपने उसको टाइप कर दिया, ठीक है, उसकी कोडिंग में आपको कुछ नहीं करना, दो वेरिएबल बस डिक्लेयर करने हैं, उन दो वेरिएबल्स को आपने प्राइवेट रख लिया और चार फंक्शंस को आपने पब्लिक रख लिया, ठीक है, ताकि आप एक्सेस स्पेसिफायर्स भी मैक्सिमम यूज कर सकें। फिर आप आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स में। अब आप चाइल्ड क्लास बना रहे थे, सबसे पहले तो ये चाइल्ड क्लास को ज़ाहिर है कॉम्प्लेक्स को आप बताएंगे कि किसकी चाइल्ड क्लास है, तो आप सिंपल को इसका बेस बना देंगे और चाइल्ड क्लास आपकी जाएगी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की कोडिंग क्या करनी है, कॉम्प्लेक्स की कोडिंग में आपके पास द चाइल्ड क्लास इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स डेट ओवरराइड्स ऑल फोर फंक्शन, चारों फंक्शंस को जो है वो ओवरराइड करे। ओवरराइड का मतलब ये है ये चारों फंक्शंस दोबारा कॉम्प्लेक्स में आप बनाएंगे, मतलब कोडिंग अंदर जो बॉडी ऑफ कोड है वो डिफरेंट होगा लेकिन नेम यही होगा, वाइड एड वाइड सब वाइड मल वाइड डिवाइड डाइव, यानी कि नाम यही होंगे। ओवरराइड के कंडीशन यही है कि उसी नाम का फंक्शन चाइल्ड में भी मौजूद होता है, तो उसी नाम का फंक्शन आपने चाइल्ड क्लास में बना दिया। Each function in the child class checks the value of data member. यहाँ पे add करके print करना था, यहाँ पे वो काम नहीं है। यहाँ पे आप उसमें क्या करेंगे कि उन दो numbers को check करेंगे, A और B में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। It calls the corresponding member function in the parent class if the values are greater than zero. अगर A और B greater than zero होंगे तो आप child class को parent class के add function को call करा लेंगे। Otherwise it displays error message. वरना फिर आप एरर मैसेज को डिस्प्ले करेंगे। अभी मैं इसके आपको हिंट कोडिंग करके दिखा देती हूँ, यही काम आपको चारों टास्क के लिए करना है। अब मैं थोड़ा सा आपको हिंट के लिए दिखाती हूँ, वाइट बोर्ड खोलते हैं हम। इसमें जो बोला गया है क्लास आपने यहाँ पे हैश इंक्लूड कर लिया, ठीक है, डायरेक्टरीज डाल दी, यूजिंग नेम स्पेस डाल दिया। क्लास आपको बनानी है सिंपल के नाम से, अभी हम इसमें कोड लिखेंगे, ठीक है, और फिर एक क्लास आपको बनानी है कॉम्प्लेक्स के नाम से जो कि चाइल्ड क्लास होगी, तो इसके हमने सिंपल
पेरेंट क्लास बना दी, यहाँ पे इसकी कोडिंग आ जाएगी सॉर्ट ऑफ, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पे इसकी कोडिंग आ जाएगी। अब आ जाइए इस वाले में, यहाँ पे हमने चाइल्ड क्लास को एंड कर दिया, सिंपल क्लास को, यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स क्लास को एंड कर दिया। अब आपको काम क्या करना है कि फंक्शंस बनाने हैं, आपने जो भी रखा प्राइवेट ए रख लिया, बी रख लिया, दो इंटीजर्स हो गए आपके पास, फिर आपने रखा पब्लिक, एक फंक्शन आपने बनाया वाइट एड का, मैं एक बना रही हूँ ठीक है, आपको ऐसे चार बनाने हैं चारों के लिए। ऐड का फंक्शन क्या कह रहा है, ऐड का फंक्शन ये कह रहा है कि जब आप सिंपल क्लास होंगे, दो वेरिएबल्स होंगे, चार फंक्शंस होंगे, एक पर बना रही हूँ, बाकी तीन और बना लीजिएगा, और इसका काम ये होगा कि वो ए और बी को प्लस करेगा ठीक है, और रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले कर देगा, ये इसका काम है। ऐड का फंक्शन बेसिक काम ये है, आप चाहे तो मैसेजेस डाल दें ठीक है, आप चाहे तो द एडिशन इज द रिजल्ट इज मैसेजेस डाल दें, बहरहाल मैं सिर्फ चंक बना रही हूँ। ऐड का फंक्शन बनाना था, ऐड के फंक्शन में उसका काम ये था कि सम करे और डिस्प्ले कर दे, तो सम किया इसने और इसको डिस्प्ले कर दिया। यहाँ पे फिर आप फर्दर अदर फंक्शंस बनाएंगे ठीक है, ये आपका कोड चल रहा है। यही काम आपको ओवर राइडिंग के थ्रू आपको कॉम्प्लेक्स में करना है, कॉम्प्लेक्स में यही फंक्शन दोबारा आएगा ठीक है। वो कहते भी यही है कि सेम नाम का फंक्शन चाइल्ड क्लास में भी बनेगा, काम अलग है इसका। इसका काम क्या है कि ये कह रहा है कि इन दोनों नंबर को जो यूजर ने दिया, अच्छा आप ऊपर कहीं पे मेन में जाके इनपुट ले लीजिएगा ठीक है, इस वक्त मेरे पास ए और बी है, आपने जाके मेन में इनपुट ले लेना है, आपने कोडिंग की इसकी, दोनों नंबर को कंपेयर करना है, इफ ए ग्रेटर देन जीरो एंड बी ग्रेटर देन जीरो, कॉम्प्लेक्स का जो टास्क था ऑब्जेक्ट था वो ये कि अगर दोनों नंबर जीरो से बड़े होंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए, वरना मैसेज आ जाए, एरर मैसेज आ जाए। तो अगर दोनों बड़े हैं, यहाँ पे दोनों बड़े हैं तो ट्रू की कंडीशन आएगी, तो इफ ए एंड ए जीरो है, बड़ा है, पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, तो मुझे फंक्शन कॉल कर लेना है, और फंक्शन कॉल करने का तरीका है मेरे पास कि मैं कहूँ सिंपल इसको रिजोल्यूशन ऑपरेटर और उसका फंक्शन ऐड, इसको कॉल कर लो, एल्स अगर नहीं है बड़ा तो एरर शो करना है, कोई भी एरर डाल दिया आपने ठीक है। तो ये सॉर्ट ऑफ इसका ये लिख लीजिए अपने पास, नोट कर लें। तो टारगेट क्या था हमारे पास, सिंपल क्लास बनानी है, इसको भी कंप्लीट करना है आपने, सिंपल क्लास को भी और इसको भी कंप्लीट करना है ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, सिंपल क्लास में दो वेरिएबल रखने थे ए और बी, चार फंक्शंस बनाए, और ए हर एक फंक्शन का काम ही होगा कि अपना ऑपरेशन परफॉर्म करके प्रिंट करेगा, फिर ओवर एडिंग यूज करते हुए आपको कॉम्प्लेक्स क्लास में चार मजीद फंक्शंस बनाने थे, तो एक ऐड का है तो यहाँ पे ऐड का दोबारा बनेगा, इसका काम अलग है, इसका काम यह है कि ए और बी को कंपेयर करें, अगर जीरो से ज़्यादा है पॉजिटिव है तो फंक्शन को कॉल कर ले अपनी क्लास से। तो फंक्शन कॉल करने का क्या तरीका होता है कि पहले हम क्लास का नाम लिखते हैं, ऑपरेटर आता है रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद उस फंक्शन को, उसी नाम का फंक्शन को दोबारा कॉल कर लेते हैं, तो दैट इज़ ओवरराइडिंग। एल्स अगर नेगेटिव नंबर है या जीरो है तो इनवैलिड इनपुट्स, आपने कोई भी एरर जो शो कर दिया, तो ये आपके पास काम है बेसिकली इसमें। फिर उसके बाद आपके पास मेन चल रहा होगा,
और मेन का जो भी फंक्शन होगा वो आप उसमें कंटिन्यू कर लेंगे, या पे आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट में आपने दो इनपुट ले लिया, इनपुट लेकर जो है आपने वैल्यू उसको पास करवा दिया, या जो भी आपका तरीका, आप चाहे तो यहीं पे इनपुट का फंक्शन बना दे और उसी को यहाँ पे कॉल कर लें। बहर काम ये करना है आपको कि ओवर एडिंग यूज करते हुए ये काम करना है। अब कोई सवाल है इस पर? कम्प्लीट हो जाएगा ये कोड आपसे आगे? यस मैम। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए अपने पास। चलिए,